Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss some theorem on inverse Laplace transform and then some question on it. So चलिए start करते हैं. तो theorem है inverse Laplace transform of derivative. तो जैसे हमने Laplace transform किया था derivatives का, उसी तरीके से inverse Laplace transform of derivatives के ऊपर भी theorem होता है. थ्योरम कुछ इस तरह से है, इफ़ लाप्लास इनवर्स या इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ टी, देन लाप्लास इनवर्स एफ टू द पावर एन एस ऑफ एस इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन टी टू द पावर एन एफ ऑफ टी. तो ये हमें लाना है, ये थ्योरम का रिजल्ट है. इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव शो कर रहा है, जो n है यहाँ पे ये बता रहा है कि ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स. तो उसी तरीके से यहाँ 1, 2, 3 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर. उसी तरीके से अगर यहाँ n है तो ये शो कर रहा है nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स को. तो हम इसी थ्योरम को यहाँ प्रूफ करेंगे. तो हम यूज़ करेंगे पुराना जो हम पढ़े हैं. तो हमने कराया था पहले एक थ्योरम जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स था, तो वो कुछ इस तरीके से था. वी नो दैट, तो हम उसी थ्योरम को प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद उसको इधर उधर ट्रांसफ़र करके इसको निकाल लेंगे. तो वी नो दैट फ्रॉम लाप्लास ट्रांसफॉर्म या फ्रॉम, हाँ ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स वो था लाप्लास टी टू द पावर एफ टी डी टी, और ये आया था माइनस वन टू द पावर एन एफ टू द पावर एन और एस. तो ये था हमारा फॉर्मूला जो हमने लाप्लास में पढ़ा था, या थ्योरम भी कह सकते हैं कि लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन एफ टी इक्वल होता है माइनस वन टू द पावर एन एफ टू द पावर एन और एस. तो यहीं से हम चाहे तो इसको प्रूव कर सकते हैं. पहले हम इस चीज़ को दिखाएंगे जैसे वहाँ पे दिखाया गया था, ये हमारे पुराने लेक्चर्स में हो चुका है, इसको हमने वहाँ प्रूव किया था. तो हम यहीं से शुरू करेंगे कि ये हम जानते हैं, यानी यहाँ तक हम प्रूव करेंगे उसी तरीके से, उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे. तो इस एल को अगर हम उधर की तरफ ट्रांसफ़र करें तो क्या होगा, टी पावर एन एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन और लाप्लास ऑफ एफ टू द पावर एन, यहाँ लिख सकते हैं एस, ठीक है. फिर इसको हम अगर इधर की तरह ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, लाप्लास ऑफ एफ टू द पावर एन एस इक्वल टू माइनस वन टू द पावर माइनस एन, लिख सकते हैं. इसको हम इधर की तरफ ला रहे हैं, इंटू टी पावर एन एफ ऑफ टी, ऐसा लिख सकते हैं. उसके बाद इसको अगर हम चेंज भी करें तो उसी तरीके से आएगा, यहाँ माइनस एन लिखे चाहे प्लस एन लिखे बात एक ही होगी. तो माइनस वन टू द पावर एन टी टू द पावर एन और एफ ओ टी. तो यही हमें यहाँ प्रूफ करना था, ये इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है. इसको हम इधर जब लाएंगे तो यहाँ इन्वर्स होगा. तो लाप्लास इन्वर्स एफ ओ टू द पावर एन एस इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन टी टू द पावर एन एफ ओ टी, ये हमें फाइनली मिल गया. लाप्लास इन्वर्स एफ टू द पावर एन एस इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन टी टू द पावर एन एफ ऑफ टी, यही तो है थ्योरम, क्लियर. तो यहाँ ज़रूरी ये है कि ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखें जो पीछे हुआ है, जिस तरीके से इसको वहाँ प्रूव किया गया है सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट इसको केवल इसी तरीके से ईजिली निकाल लेंगे, ठीक है. तो अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे. वो क्वेश्चन है, evaluate
एल इनवर्स लॉग पी प्लस थ्री अपॉन पी प्लस टू। तो ये है क्वेश्चन जहां हमें इवेल्युएट करना है लाप्लास इनवर्स ऑफ लॉग पी प्लस थ्री अपॉन पी प्लस टू को। हमें बताना है कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा लॉग पी प्लस थ्री अपॉन पी प्लस टू का। यहां कभी कभी यहां एस भी हो सकता है, ठीक है, तो एस प्लस थ्री या एस प्लस टू हो तो भी हम सेम ही समझेंगे। जो हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, ये डिफिनीशन से था जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डिफिनीशन है, और वहीं से हम लिख सकते हैं कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस होता है एफ ऑफ टी, ठीक है। इसी तरीके से लाप्लास को हम इधर लाएंगे तो लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस हो जाएगा एफ ऑफ टी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पी के टर्म में डिनोट किया हुआ है, तो ये सिंपली इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं एफ ऑफ पी इक्वल टू एफ ऑफ टी इस तरीके से। तो दोनों ये एक ही चीज़ है, केवल एस और पी वहाँ डिनोट किया गया है, ये दोनों सेम है। तो हमें ये शो करके दिखाना है कि एल इनवर्स, और ब्रैकेट में हम समझ सकते हैं कि ये एफ ऑफ पी है एक तरह से, और इक्वल टू हमें लाना है। तो एल इनवर्स एफ ऑफ पी, दिस इज एफ ऑफ पी इक्वल टू हमें लाना है। यहाँ हम लिख सकते हैं वेयर एफ ऑफ पी इक्वल टू, ये जो एफ ऑफ पी किसके बराबर है, लॉग लॉग पी प्लस थ्री अपॉन पी प्लस टू, क्लियर, पी प्लस थ्री अपॉन पी प्लस टू। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसको माइनस कर लें लॉग का रूल लगा के एम बाई एन, ये हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन, सिंपली लॉग एम बाई एन इक्वल लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये हमें मिल गया एफ ऑफ पी। यहाँ पे हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं, जो लाप्लास हमें पता है इसी को हम यूज़ करेंगे एल इनवर्स, और यहाँ पे एक तरह से अगर हमें डेरिवेटिव टर्म्स मिल जाए तो हम इस फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ टी हमारा ये हो जाएगा, या हम सिंपल कहें तो ये हो जाएगा एल इनवर्स एफ ऑफ पी। ये हमारा क्वेश्चन है एल इनवर्स एफ ऑफ पी, ये पूरा का पूरा टर्म को हम दिखा सकते हैं कि ये क्या है, एफ ऑफ पी है। तो एल इनवर्स एफ ऑफ पी ही हमें देने वाला है एफ टी, जो कि यहाँ पे है एफ टी। तो इसका क्या करेंगे, इसका एक बार हम डेरिवेटिव कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश पी, या सिंपली इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे डी एफ ऑफ पी अपॉन डी पी इस तरीके से। तो ये हो जाएगा वन अपॉन पी प्लस थ्री, जैसे एक्स का लॉग लॉग एक्स का वन बाई एक्स होता है, सो माइनस पी प्लस टू, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम इस पे यही फार्मूला लगाएं ये पावर वाला, तो यहाँ पे क्या है एफ डैस है, तो अगर हम इस यहाँ पे इसको हम अलग से लिख लेते हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, अब इसके ऊपर दोनों तरफ से लाप्लास लगाएंगे इनवर्स, लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एन एस। तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स एफ डैश पी। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सिंपली माइनस वन टू द पावर, यहाँ चूंकि एन है तो यहाँ एन है, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे क्या होगा वन, उसके बाद टी टू द पावर एन है, यहाँ यहाँ हो जाएगा वन, और एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी, ठीक है। ऐसा तो अब हम अगर लाप्लास को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा सिंपल एल ऑफ एफ टी। हम इसको यहाँ दिखाते हैं, एफ ऑफ पी, ठीक है,
तो इसको हम लिख लेंगे ये हो जाएगा सिंपली एल इनवर्स एफ डैश पी का मान कितना है ये हमने मान रखा है ये हो जाएगा वन अपॉन पी प्लस थ्री माइनस वन अपॉन पी प्लस टू इक्वल माइनस वन या माइनस सिंपल लिख सकते हैं माइनस टी जाएगा ये और एफ टी को हम लिख सकते हैं एफ टी को हम क्या लिख सकते हैं एफ टी को हम लिख सकते हैं एल इनवर्स एफ ऑफ पी यहाँ से एफ टी को हम लिख सकते हैं एल इनवर्स एफ ऑफ पी तो ये हमें क्या मिलेगा ये हमें मिलेगा एल इनवर्स जब हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस थ्री टी और ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टू टी सिंपल लाप्लास ट्रांस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉन पी प्लस थ्री करेंगे तो ई टू द पावर माइनस थ्री टी और इसका करेंगे तो ई टू द पावर माइनस टू टी इधर हो गया माइनस टी एल इनवर्स एफ ऑफ पी क्लियर अब इस टी को हम इधर की तरफ लाएंगे तो माइनस टी इधर हो जाएगा तो ये हमें मिलेगा एल इनवर्स एफ ऑफ पी इक्वल टू वन अपॉन माइनस टी ई टू द पावर माइनस थ्री टी माइनस ई टू द पावर माइनस टू टी अब एफ ऑफ पी क्या है एफ पी हमने इस पूरे टर्म को माना था यहाँ पे एफ पी हम सिंपली लिख लेंगे एल इनवर्स लॉग पी प्लस थ्री अपॉन पी प्लस टू इक्वल टू अब माइनस को हम यहाँ अगर कर लें तो वन अपॉन टी और ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा तो ई टू द पावर माइनस टू टी माइनस ई टू द पावर माइनस थ्री टी तो ये रहा आंसर इस क्वेश्चन का ठीक है तो जो भी हमें दिया होगा फंक्शन एक बार हम फिर से समझ लेते हैं इसको हम एफ पी मान लेंगे उसके बाद इस फॉर्मूले के अनुसार जो हमने बेसिक डिफिनीशन में पढ़ा था उसके अनुसार एल इनवर्स एफ ऑफ पी को हम एफ टी लिख सकते हैं यहाँ सिंपली एस की जगह पी लिखा हुआ है जहाँ पे एफ पी का मान ये है पी प्लस थ्री लॉग पी प्लस थ्री अपॉन पी प्लस टू फिर हम इसको लॉग के बेसिक फॉर्मूले से ब्रेक किए हैं लॉग एम माइनस लॉग एन एंड देन डिफ्रेंशिएट किए हैं डिफ्रेंशिएशन इसलिए कि हम इसको यूज़ कर पाएँ जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इसमें थ्योरम में पढ़ा है तो लाप्लास इनवर्स एफ डैश पी जो यहाँ पावर था उसके हिसाब से हम यहाँ फार्मूले को यूज किए हैं तो यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग यूजिंग एबव थ्योरम या फिर आप डायरेक्ट ये थ्योरम लिख सकते हैं कि हम ये थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं उसके बाद सिंपली एल इनवर्स और एफ डैश पी की जगह पे ये सारी वैल्यू उसके बाद जब हम लाप्लास इनवर्स करेंगे इसका तो हमें मिलेगा ई टू द पावर माइनस थ्री टी और इसका हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टू टी फिर ये सारा कुछ सेम है केवल इधर उधर हमने किया है और फाइनली ये हमारा आंसर है तो इस तरह के हम क्वेश्चन कर सकते हैं तो आइए देखते हैं कुछ और थ्योरम इसके ऊपर तो ये है थ्योरम डिवीजन बाय एस तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी हम एक डिवीजन बाई एस का फॉर्मूला पढ़ा था ये थ्योरम पढ़ा था उसी तरीके से इसको भी करेंगे तो इफ लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ टी देन एल इनवर्स एफ ऑफ एस अपॉन एस इक्वल टू जीरो टू टी एफ यू डी यू ये है एफ यू डी यू तो हमें यह शो करना है कि अगर लाप्लास इनवर्स एफ एस का एफ टी है तो लाप्लास इनवर्स एफ एस बाई एस हो जाएगा जीरो टू टी एफ यू डी यू तो हम इसको भी वहीं से शुरू करेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले से आता हो तो वो सारे वीडियोस आप पीछे से देखते आइए तभी ये आपको क्लियर होगा वरना यहाँ से क्लियर नहीं होगा डायरेक्ट अगर देखेंगे तो सो वी नो दैट फ्रॉम लाप्लास ट्रांसफॉर्म थ्योरम दैट इज तो वो थ्योरम था लाप्लास ऑफ
जीरो टू टी एफ ऑफ यू डी यू इक्वल टू एफ ऑफ एस अपॉन एस। तो ये हमने वहाँ पे निकाला था कि हम लाप्लास अगर किसी इंटीग्रल का लेंगे, ये वहाँ पे था लाप्लास ऑफ इंटीग्रल या इंटीग्रल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बड़े आराम से इसको ढूंढ पाएंगे। तो इंटीग्रल लाप्लास ट्रांसफॉर्म से हम इतना लिख सकते हैं, फिर अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, सिर्फ हमें इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है। तो अगर हम लाप्लास को इधर कर लेंगे तो हमें सिंपली तो सारा प्रूफ हमें उसी तरीके से करना है जैसे लाप्लास में कराया गया है। कोई नई चीज़ यहाँ नहीं है इसलिए हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ज़ीरो टू टी एफ ऑफ यू डी यू इक्वल टू, ये इन्वर्स हो जाएगा इधर आएगा तो एफ ऑफ एस और अपॉन एस। तो बहुत ज़रूरी है कि इस थ्योरम को देख लीजिए पहले, उसके बाद यहाँ आएंगे, ये बड़े आराम से हो जाएगा आसानी से। तो ये इतना छोटा नहीं है क्योंकि ये हो पढ़ चुके हैं इसलिए ये इतना छोटा लग रहा है। तो ज़रूरी है पहले इसको पढ़ें उसके बाद यहाँ आएंगे, तो ये बड़े आराम से हो जाएगा। इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे लेकिन अगली वीडियो में, फ़िलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आप सबसे इसके पहले वाले थ्योरम को रिवाइंड करिए, फिर उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन करिए, फिर उसके बाद हम इसके हिसाब से भी क्वेश्चन बताएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।